अब हम बात करेंगे फायर टेट्रा हाइड्रॉन, फायर टेट्रा हाइड्रॉन या फायर चेन रिएक्शन। अब इसके बारे में थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं। पहले क्या था, पहले था फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, ये ट्रायंगल ऑफ फायर था, ठीक है। अब इसमें एक चीज और जोड़ दी गई है, टेट्रा हाइड्रॉन, यानी जब ये पहले ये तीन चीजें थी, अब इसमें एक चौथी चीज और जोड़ दी गई है। मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, सी आर चेन रिएक्शन, टेट्राहाइड्रॉन चेन रिएक्शन एक ही चीज है, और हिंदी में इसको बोलते हैं आग का चतुष्फलक, वो भी बता देता हूं हिंदी में ही, ज्यादा तो उसमें हिंदी में लिखा जाएगा आग का चतुष्फलक, यानी आग का चौथा पार्ट क्या है, चौथी चीज क्या चाहिए होती है, तो फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। अगर ये तीनों चीज आपस में है और चेन रिएक्शन ही सीआरएस में नहीं है तो उसको टेट्राहाइड्रॉन नहीं बोलेंगे, चेन रिएक्शन नहीं बोलेंगे। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि टेट्राहाइड्रॉन के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स की जरूरत होती है, ये क्या होता है। सबसे पहले आपको शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, फ्यूल, उसके बाद ऑक्सीजन और हीट, और फिर सीआर। फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट और सीआर चेन रिएक्शन, और इसी को टेट्राहाइड्रॉन बोलते हैं, इसी को चतुष्फलक बोलते हैं। अब वो आपको सीरियल में ये पूछा जा सकता है कि इन तीनों चीजों से में से कौन सा सही है, क्वेश्चन किस तरह बन के आ सकता है। ये सीआर को पहले रख देगा और फिर ये लगाएगा फ्यूल उधर कर देगा, ये आगे पीछे इनको कर देगा। तो आपको ये श्रृंखला बनानी है कि पहले कौन कौन सी चीजें आएंगी, ये भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, पहले फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट और केमिकल चेन रिएक्शन, फायर चेन रिएक्शन। अब ये चेन रिएक्शन कैसे होता है वो भी जान लेते हैं। मान लिया कोई भी चीजें जल रही है, कोई भी चीजें जल रही है कहीं पे, और ये कोई भी चीज एक्स वाई जेड मान लो, और इसके पास में ये कोई दूसरी चीज ए चीज जल रही है, इसको हम ए का नाम दे देते हैं और इसको हम बी का नाम दे देते हैं और यहां पे हम कोई भी सी कर देते हैं, ठीक है। तो ये कोई भी ए प्रोडक्ट था, ये जल रहा है, अब इसके जलने से क्या होगा, इसकी हीट इस पे जाके पड़ेगी, इसकी हीट इस पे पड़ेगी। अभी देखो ये तो ऑलरेडी जल रहा है और आपको जलने के लिए तीन चीजें चाहिए, ईंधन, ऑक्सीजन और तापमान। ईंधन ये खुद में है, ऑक्सीजन एनवायरमेंट में है, अब इसको हीट चाहिए थी जलने के लिए, तो हीट यहां से मिल गई क्योंकि ये जल रहा है और जो हीट हो रहा है वो इसके ऊपर आके गिर रही है, समझ रहे हो ना मेरी बात, इसके ऊपर आके गिर रही है। और जो इसको एक ऐसा टाइम आएगा, अगर ये आग थोड़ी जल रही है तो थोड़ी हीट छोड़ेगी, अगर ये आग बड़ी होगी तो ज्यादा बड़ी हीट छोड़ेगी, और ज्यादा बड़ी हीट छोड़ने से ज्यादा हीट, और एक ऐसा लेवल आएगा कि जितनी इस पदार्थ को जलने के लिए तापमान की जरूरत थी वो तापमान इसको मिल जाएगा और ये भी जलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, देखो ये जल रहा था, अब ये जलना स्टार्ट हो गया इसकी हीट पाके, अब इसकी हीट पा करके सेम पोजीशन यहां पे हो गया, ये जलने लगा, अब इसकी हीट इसको पहुंच गई और इसकी हीट इधर पहुंच गई, अब क्या हुआ कि पूरा का पूरा जलना शुरू हो गया, इसी को चेन रिएक्शन बोलते हैं, चेन बनाना। देखो हम भी कई बार घरों में देखते हैं पानी देने के लिए या ईंट पहुंचाने के लिए, मैंने यहां से बाल्टी भरी, दूसरे को दो दी, उसको आगे दी, उसने उसको दी, उसने उसको दी, और लौट के फिर मेरे ही पास आ जाती है, वो एक चैन बना दी उसने, इसी को चैन रिएक्शन बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा, कोई भी जलने वाले पदार्थ
से हीट रिलीज होकर किसी दूसरे पदार्थ में, किसी दूसरे पदार्थ को मिलती है और वो भी एक फ्लेमेबल मिक्सचर छोड़ता है और उस फ्लेमेबल मिक्सचर में आग लग जाती है, जिसके कारण ये श्रृंखला चलती रहती है और उसी को चेन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये चेन रिएक्शन हमारा क्लियर हो गया है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये चेन रिएक्शन आ गया। अब हमारा चैप्टर आता है दूसरा। इतना तो हमारा क्लियर हो गया, सभी को समझ आ गया होगा। चेन रिएक्शन भी हो गया हमारा, टेट्राहेड्रॉन भी हो गया है। अब हम जानेंगे आपका फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट देखो, फ्लैश पॉइंट पदार्थ का होता है, आग का नहीं होता है, लेकिन ये चीजें पूछी जाती है। ठीक है, फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट। अब ये पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो फ्लैश पॉइंट किसको बोलेंगे? मैंने आपको शुरुआत में जब व्हाट इज फायर पढ़ाया था तो उसमें एक चीज बताई थी कि कोई भी पदार्थ अपना एक निश्चित तापमान पा करके फ्लेमेबल मिक्सचर नहीं छोड़ता है तब तक उसमें आग नहीं लगती है। जब तक निश्चित फ्लेमेबल वेपर या फ्लेमेबल मिक्सचर नहीं छोड़ेगा तब तक उसमें आग नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों उस फ्लेमेबल मिक्सचर पे ही डिपेंड करते हैं, उसी का ये माध्यम है। तो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज फ्लैश पॉइंट? फ्लैश पॉइंट, व्हाट इज फ्लैश पॉइंट? फ्लैश पॉइंट होता क्या है? वह कम से कम तापमान, या दूसरे भाषा में और भी सिंपल कर देता हूं मैं, किसी भी वस्तु का वह कम से कम तापमान जो हीट पा करके वह पदार्थ एक फ्लेमेबल, इतना फ्लेमेबल मिक्सचर छोड़े कि जरा सी हीट मिल करके आग अक्षण भर के लिए जलकर बुझ जाए, उसको किसी भी पदार्थ का फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। समझ में आया? दोबारा रिपीट कर देता हूं, किसी भी पदार्थ का वह कम से कम तापमान जो जिस तापमान पर वह पदार्थ फ्लेमेबल मिक्सचर छोड़ता है या फ्लेमेबल वाष्प छोड़ता है और कोई भी हीट मिलने से वो अक्षण भर के लिए जल के बुझ जाए, यानी उस पदार्थ को इतनी ही हीट मिली, इतने ही उससे अंदर वेपर रेड्यूस हुए कि आग जल के बुझ गई। बुझ क्यों गई? क्योंकि उसके बाद उसको बराबर उसका टेम्परेचर मिला नहीं, वो टेम्परेचर कम से कम था। मान लिया किसी भी पदार्थ को जलने के लिए 100 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है, 100 डिग्री टेम्परेचर चलने, कंटिन्यू आग जलने के लिए 100 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है किसी भी पदार्थ को, और उसको कम से कम ये तो हो गया उसका एक सफिशियंट केस में आग लग जाएगी, और उसको मिला कितना? 80। अब 80 में क्या होगा? वो थोड़ा सा जलेगा, उसको थोड़ी हीट मिली, वो थोड़े वेपर जनरेट करेगा। अब थोड़े वेपर जनरेट करेगा तो बाद में वो बुझ भी सकते हैं, और वही कम से कम उसका तापमान होता है। ठीक है, ये तो हो गया फ्लैश पॉइंट। अब बात करते हैं फायर पॉइंट की। किसी भी पदार्थ का फायर पॉइंट क्या होता है? सेम इसका अपोजिट है। वह पदार्थ, किसी भी पदार्थ का वह तापमान या निश्चित तापमान आप बोल सकते हैं, किसी भी पदार्थ का वह निश्चित तापमान जिसे इतने फ्लेमेबल वेपर या फ्लेमेबल मिक्सचर रेड्यूस हो कि आग कंटिन्यू जलती रहे, लगातार जलती रहे। दोनों में डिफरेंट है, देखो यहां पे आग अक्षण भर के लिए जलती है और बुझ जाती है, और यहां पे आग लगातार जल रही है, कंटिन्यू जल रही है, उसको हीट इतनी मिल रही है। ये चीज मैं समझा रहा हूं, देखो आग उसको जलने के लिए पदार्थ को 100% डिग्री टेम्परेचर चाहिए था लगातार जलने के लिए, लेकिन मिला कितना? 80%, इसलिए थोड़ा फ्लेमेबल वेपर निकला और थोड़ी देर में जल के बुझ गया।
ये हो गया फ्लैश पॉइंट। अब उसको 100% चाहिए था या 100 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए था लगातार चलने के लिए, और वो टेम्परेचर उसको मिल गया और आग कंटिन्यू जलती गई, वो फायर पॉइंट हो गया। इसको कम से कम चाहिए था, इसको ज्यादा से ज्यादा या अधिकतम तापमान आप बोल सकते हो। किसी पदार्थ का वह अधिकतम तापमान जो इतने कोई भी हीट पा करके इतना फ्लेमेबल मिक्सचर छोड़े कि आग लगातार जलती रहे, लगातार जलने की प्रक्रिया को फायर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, मैंने एक ही चीज को दो तीन बार एग्जांपल देने की कोशिश की है, तो उम्मीद करता हूं ये भी चीज आपको समझ आ गई होगी, और फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट। अब नेक्स्ट